हाँ जी, तो अभी हम पहुंच गए हैं भज्जा सिरी पाए। तकरीबन घंटा हमें लग गया आते आते। अभी टाइम जो है वो हो गया तकरीबन 6:15 और हम निकले थे 5:21 पे। तो हम अभी पहुंच गए हैं भज्जा सिरी पाए। देखते हैं क्या सीन है अंदर। हाँ जी, तो ये हैं जी स्पेशल भज्जा सिरी पाए के सिरी पाए। ठीक है, हमने लगवाए थे 2 हाफ हाफ और मुझे लगता है इसमें 1 में 2 हैं। इसी तरह हाँ, इसमें 1 में 2 हैं। बाकी अब हम खाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या टेस्ट है, क्या सीन है। हाँ जी शेख साहब, शुरू करें। अच्छा, वैसे हमने रात का खाना भी नहीं खाया है स्पेशल कि ये खाना हमने इधर आके। जितना हमने इंतज़ार किया था ना कि खाना हमने रात को नहीं खाना, सुबह जाके उधर सिरी पाए खानी है, उतना उस इंतज़ार का हमें मज़ा आ रहा है इस वक्त। यकीन करें, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है अंकल, मजबूर वाला मज़ा आ रहा है हमें। बहुत बहुत मज़ा आएगा पाए में ना। असल मज़ा जो है ना वो इस शोरबे का ही है। ये तो आपने खा ही लेनी है साथ में बोटियाँ वगैरह जो हैं। असल मज़ा इसके शोरबे का ही है। और इधर हम आपको बताते जाएं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सामा भाई भी हैं और ये जुबैर है। सामा भाई, आपको कैसा लगा ये टेस्ट? बहुत ज़्यादा क्या? बहुत लाला। बहुत आला लगा। सामा भाई भी इधर ना पूरे अच्छे तरीके से लड़ाई कर रहे हैं और इस वक्त ये पूरी कश्मकश में इस वक्त हमें ये बोल रहे हैं, बस इंतज़ार किया जाए इनके बोलने का। मैं समझ रहा हूँ सामा भाई, मैं समझ रहा हूँ। और ये जो पीछे भाई बैठे हुए हैं, ये वाले हमें जानते नहीं हैं लेकिन वो बड़े गौर से इधर देख रहे हैं कि यार पता नहीं क्या कर रहे हैं ये बंदे। भाई करना पड़ता है। हाँ जी सामा भाई, बताएं ज़रा टेस्ट किस तरह के। हाँ जी शेफ साहब, अभी तक सामा भाई के मुंह से हड्डी नहीं निकली है। ओ हेलो, तू किधर? मैं व्लॉग बना रहे हैं, तू इधर शुरू हो गई। मार के जी कुछ निकले? कुछ भी नहीं निकले। निकले आप हिम्मत ना आ रहे, लगे रहे जोर से लेके जाऊंगा इसको। ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं माधव। सामो भाई इधर मुंह के अंदर थोड़ा और नहीं है, मेरी जान निकाल जाती है भाई। Wait a minute. समझ रहे हो? तो नाश्ता हमारा अभी हो गया कंप्लीट, हमने नाश्ता कर लिया। अब हम जा रहे हैं लस्सी पीने के लिए। कहाँ पे? जेदा। हाँ, जेदा लस्सी वाला है। जो रास्ता रुस्ता हमें नहीं पता है, लोकेशन डाल के जा रहे हैं। अब देखें कहाँ पे। बाकी इनका मजा आ गया यार, इसी तरह ना मजा आ गया। पैसे पूरे आ गए कि नहीं? चास आ गई कि नहीं? हमारे पेट्रोल के पैसे पूरे हो गए वैसे, जो इतनी दूर आए हैं ना हम। यार ये सीन चेक कर, ये इनकी असली दुकान है और सिर्फ इसके अलावा कोई भी नहीं है इनकी ब्रांच। इसी तरह सामा भाई अच्छा, तो अभी हम पहुंच गए हुए हैं ये जेदा लस्सी वाले के पास। हमने जितना सोचा था उससे कई हिस्से ज़्यादा यहाँ पे रश है। ये देखें, यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक जो पीछे तक लाइन लगी हुई है, ये सारी इसी की लाइन है। और मुझे लग रहा है हमें तकरीबन आधा पौना घंटा जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ से पहले टोकन लिया जाता है, ये जो आदमी बैठे हुए हैं भाई जान, यहाँ से पहले टोकन लिया जाता है और फिर इधर लाइन में लगा जाता है और फिर लस्सी ली जाती है। लाइन में लगने के लिए हमारे पास सबसे एक्सपर्ट बंदा शेख ही है। पकड़ो माशाल्लाह, पकड़ो अच्छे तरीके से। ये हमारे पास सबसे एक्सपर्ट बंदा है लाइन में लगने के लिए।
फाइनली वो 10-15 मिनट की लाइन में लगने के बाद हमारे पास हमारी लस्सी आ ही गई है यार। मेरी आ हा 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 हा, चासा आई है कि नहीं? चासा आ गई। कितने देंगे आप 10 में से? 8.5। यार तो कभी लस्सी पीती भी है? इस तो पहले तो लस्सी पीती भी है। अच्छा लस्सी तो मजे की है, इसमें ये जो पेड़ा है या पता नहीं मलाई है, वो आती है ना असल चाट सोदी है, असल चाट सोदी है, वो जो मलाई आती है ना बीच में, मजे का। जनता चेक करें अभी भी आप वो पीछे जाते हैं जी। ये सुबह तकरीबन 5 बजे शुरू होता है मुझे लगता है और 9 बजे तक बंद हो जाता है। अभी इनके पास जो है वो बनाने के लिए दही वगैरह ख़त्म हो गई है बस, अभी इनके पास जो पहली बनी पड़ी है वही अभी फ़िलहाल दे रहे हैं और अभी भी कितना रश है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਨਕੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸਕੀ। ਬੇਟਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। समो भाई का दिल नहीं कर रहा मुझे लगता है इसको छोड़ने को, मजे की इतने की है यार, इंसान का दिल नहीं करता है यकीन करें।